गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुशील स्टडी में। मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीका से सही चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, आज है 12 जून 2020। 12 जून 2020 से करेंट के या इससे अतिरिक्त परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे क्वेश्चन सारी जानकारी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की आबादी में 29% वृद्धि हुई है? अरे गजब की बात है सर, शेरों की वृद्धि हुई है 29%। हमने की हाँ, गिरी राष्ट्रीय उद्यान सुना है ना आपने? हाँ सर सुना तो है। हमने कहाँ पर है बताना थोड़ा? सर गुजरात में है। हमने गजब बात बताई आपने, गुजरात में स्थित है। उसमें सर शेरों की संख्या बढ़ी है कितनी? 29%। सर बढ़ के कितनी हो गई? हमने कही 674 हो गई है। अच्छा सर, आंसर है गुजरात। ये रहा गुजरात। गुजरात की सीमा मेरे प्यारे साथियों किस किस से लगती है? सर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से सीमा साझा करती है। कौन? गुजरात की सीमा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182, राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान है। मेरे प्यारे साथियों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम गुजरात के जो भी अब स्टेट आएगा हम बांध लेकर के चल रहे हैं अभी, क्योंकि हम आपको ऐसे ही नंबर से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करा देंगे। सर गुजरात में बांध कौन से हैं? हमने की गजब बात कर दी। याद नहीं, हमने तो आपको वीडियो दी थी है बांध पर पूरी, अच्छी तरीके से हमने स्टेट बाई स्टेट बांधों को आपको पढ़ाया था। अच्छा सर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। उकाई बांध काकरा बांध, काकरापारा बांध सर ताप्ती नदी पर है। कदाना बांध माही नदी पर है। अरे सर वो ही माही नदी है, हमने कौन सी? सर ये तो बहुत सुनी है हमने, माही नदी कर्क रेखा को काट दी। हमने की गजब बात पकड़ी आपने, वो यही माही नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। धारोई बांध साबरमती नदी पर है। दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर है। अच्छी बात है सर, बढ़े आगे बिल्कुल। अमेरिका में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। सर अश्वेत को पहली बार? हमने की हाँ। आपको बात बताएं ना मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा अभी अमेरिका में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आग भड़की हुई है। सर आग कौन सी? हमने की जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की आग भड़की हुई है। अच्छा सर, जॉर्ज फ्लॉयड जो $20 की बात थी, एक पुलिस वाले ने इनकी हत्या की थी सिर पर लात रख कर के। सर हमने की गजब बात बताई आपने। सर हम बताएं ना आपको, अश्वेत लोगों की संख्या गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम है साथियों। श्वेत अमेरिका में तो श्वेत और अश्वेत की लड़ाई भटकी हुई है सर, भटकी हुई है। अच्छा, ये अश्वेत जो पहले वायुसेना प्रमुख है सर, जनरल चार्ल्स ब्राउन है। अच्छा सर, मिल जाए तो मुलाकात कर लेना आप इनसे, ठीक है। बढ़ते हैं सर, अमेरिका आया तो हम आपके लिए नॉर्थ अमेरिका की वीडियो संडे को लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही डिटेल से बेहतरीन तरीके से सर पढ़ेंगे, जैसे हमने साउथ अमेरिका आपको पढ़ाया था, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट भी मिले थे। मुझे आशा है मेरे प्यारे साथियों, मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार लग रहा है। इसी मनोबल से हम आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लाते हैं साथियों। अब नॉर्थ अमेरिका को पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे सर। यूनाइटेड स्टेट के बारे में हमारे प्रिय मित्र सारे जानते हैं अच्छी तरीके से। मैं आपको बता दूं, अमेरिका की वीडियो आएगी ना, उससे पहले हम बहुत सारी जानकारी आपको बता चुके हैं। सर ये जो दिख रहा है ना सर, ये बतखें सी जो दिख रही है ना, चार पांच, ये बतखें हैं क्या? हमने की यार गजब बात कर देते हो आप भी, हद है भाई, ये बतखें नहीं है साथियों। हमने की ये झीले हैं। सर कौन सी झीले हैं? हमने की लो झील आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन आता है, हमने की गजब बात कर दी आप भी, क्वेश्चन पूछा जाता है सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ओंटेरियो झील और मिशिगन झील और भैया प्यारी आयरे झील। ये पांच झीलें हैं, पंचनुमासी झीलें हैं मेरे प्यारे साथियों, पांच उंगली सी दिखती हैं। बड़े सर आगे, बिल्कुल सर। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य गैस के रिसाव की समस्या का सामना कर रहा है? सर बता देना, असम राज्य कर रहा है। असम राज्य में जो डिरबू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है, डिरबू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के बगल से तिनसुकिया जिला है सर। तिनसुकिया जिला के बगल से थोड़ी दूरी पर बझावन सर है।
बजावन सर नाम है उसका, थोड़ा ऐसा ही बागजान नाम है, सॉरी बागजान नाम है मेरे प्यारे साथियों। बागजान में ये आग गैस का रिसाव हुआ है साथियों। ये गैस इतनी भड़क गई है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने 7,000 लोगों को, 7,000 परिवार को 12 राहत कोष में मतलब स्थापित किया है। अच्छा सर, इतनी आग बढ़ गई हुई है असम में, हमने की लोग गजब बात कर दी। अरे भैया, इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, तब सिंगापुर की टीम बुलाई है। वो सिंगापुर की टीम इसमें कंट्रोल करने में भी नाकाम हो रही है सर, आपको बताएं। अच्छा सर, एक कुआ बताया जाता हमने, इसी से गैस वो निकलती है, मीथेन है आपकी, इथेन सारी गैसें इसी से निकलती हैं, आपको पता है मेरे प्यारे साथियों। क्या ये आग भड़की कैसे है असम के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, इससे पहले हम, मेरा एक प्रयास है, मैंने कुछ नया आपके लिए किया है साथियों, जरा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। ये देखो चल जाए तो साथियों, और प्लीज़ यदि प्रयास ये अच्छा लगे ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं क्या सर प्रयास किया है हमने, कि हम दिखाते हैं आपके लिए मेरे प्यारे साथियों। हम कुछ वीडियो लेकर के आए हैं, वो हम चला देते हैं आपके सामने, ये चल जाएगी प्यारे मित्रों, तो जरा देख लेना। ये आग है, ये भड़की हुई है, ये आग आपको दिखेगी ना, माइंड में पिक्चर बन जाएगी साथियों मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यदि पिक्चर और ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यारे से कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, मुझे आशा है आप ज़रूर शेयर करेंगे। मैं आपको पूरी दिखाता हूँ सर, ये चली हुई हो, आपको दिखाई दी हो अच्छी तरीके से। अब माइंड हमारा पिक्चर को सेट करता है साथियों कि रंगीन अक्षरों के पीछे जो हमारी भैया दुनिया है ना, जो रंगीन, जिसके हम सपने देखे हैं, हमने बहुत बहुत बड़े सपने देखे हैं, वो सपने ऐसे ही पूरे होंगे। ये पिक्चर देखना आप ध्यान से साथियों, ये आग भड़की हुई है साथियों, बहुत प्रयास के बाद भी ये कामयाब नहीं हो रहे हैं यहाँ के लोग, जो टीम लगी हुई है ना साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ अपने परिवार को बढ़ाएं, ये सुशील स्टडी परिवार एक दिन मंजिल जरूर हासिल करेगा। चलें सर आगे, बिल्कुल सर बढ़ें आगे। सर ये है असम की, जो हमने गैस रिसाव के बारे में बताया, आपको याद होना चाहिए, ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर असम, असम तो बहुत सुना है हमने, अरे गजब बात कर दी असम, सुना सुना सा तो असम तो ऐसा लगता है भैया पड़ोस का कोई गांव है, हमने की अच्छा तो ये रहा असम। सर असम तो सेवन सिस्टर में लगता है, हमने की हद कर दी भाई, असम तो बहुत पढ़ाया है भैया असम। सर अच्छा, ये पश्चिम बंगाल से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाता है, जिसका नाम दूसरा चिकन नेक है, हमने की क्या बात है भाई, चिकन नेक है ना सर? हाँ सर, उसी से ये जाता है असम। असम देखना अरुणाचल प्रदेश से सीमा भी लगाता है, नागालैंड से भी लगाता है, मणिपुर से ही लगाता है, मिजोरम से भी लगाता है, त्रिपुरा से भी लगाता है, मेघालय से भी लगाता है। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं ना सारे ये जो स्टेट हैं इनसे सीमा साझा करता है असम, हमने की आप मेरी बात को पकड़ चुके हैं, क्या बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये है ना असम, सर ये असम वही है ना जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, हमने की क्या बात है यार, आपको तो सब कुछ याद याद है। हमारे सुशील स्टडी परिवार के जो सदस्य हैं ना, एक दिन देखना मंजिल हासिल करेंगे। अच्छा सर, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, हमने हद कर दी, हमने तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, हम अभी दिखाते हैं देखना। ये राजधानी दिसपुर है, सर्बानंद सोनोवाल है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, लोकसभा 14, राज्यसभा 7, विधानसभा 126, राष्ट्रीय उद्यान डिरबू साइखोवा काजीरंगा। अरे क्या बात गजब कर दी सर, काजीरंगा में एक सींग गैंडा पाया जाता है, हमने की बिल्कुल सही पकड़े आप, मानस है, नामेरी है, औरंग है। सर ब्रह्मपुत्र नहीं पढ़ाई हमने, हमने की आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे ना, आप सपने में भी नहीं भूल सकते साथियों। अच्छा सर, ब्लैंक मैप पर सिखाएंगे, हमने की हम पूरा सिखाएंगे, ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ देंगे आपको, टाइम लग जाएगा ना 24 घंटे में, तो आप हमको दे सकते हैं ना 1 घंटा। सर ये नदी तिब्बत से निकलती है। अच्छा, तिब्बत से निकलती है, जहाँ दलाई लामा पड़े थे, हमने की हाँ, भारत बांग्लादेश से, हमने की देखो ये निकली कि नहीं, जरा देखना एक बार फिर मेरे प्यारे साथियों, मैंने कितना बढ़िया प्रयास किया है। किसी ने नहीं देखा हो तो मैंने वीडियो बनाई हुई है साथियों, आप जाकर के मेरे चैनल पर देखना, नदियों के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, कैलाश के मानसरोवर के। अच्छा, चीन के लिए लोग इसे प्यार मोहब्बत में सर क्या कहते हैं ना, सांगपो कहते हैं कुछ लोग, यार लुंग जांगपो कहते हैं। सर जब ये अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, ये नामचा वरवा से, सर अरुणाचल प्रदेश के लोग इसे दिहंग के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र के लोग सर ये वो सॉरी असम के लोग इसे ब्रह्मपुत्र जानते हैं। बांग्लादेश में इसे सम्मान से सर जमुना कहते हैं।
अच्छा सर, ये तिब्बत से निकलती है? हमने कहा हाँ, देखो आपके सामने है। और बताए ना सर, इधर से इसमें गंगा नदी मिलती है मेरे प्यारे साथियों। ये पूरा लिखा हुआ है, आप नोट कर लेना बेहतरीन तरीके से। ये सब एनसीईआरटी पैटर्न है सर, बहुत ही बेहतरीन। गंगा सर मिलती है ना, बांग्लादेश के लोग गंगा को पद्मा कहते हैं। जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तब इसकी संयुक्त धारा मेघना के नाम से कहलाती है सर। अच्छा, इसी सर ब्रह्मपुत्र में सिक्किम से आ रही तीस्ता नदी मिलती है? हमने कही हाँ। अच्छा सर, इसी से गंगा से एक हुगली वितरका है सबसे बड़ी? हमने कही बिल्कुल, इस हुगली की सहायक नदी दामोदर है। अरे सर, हमने ये एक बात और पढ़ी। हमने क्या? ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा द्वीप बना है सर। हमने कहा अच्छा, विश्व का? हाँ सर, उसे माजुली द्वीप कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ भी पूछी जाती हैं साथियों, तो हम आपको बताते हैं। देखना कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको लिखा है, इसकी पीडीएफ हमारी सब आपको पता है कहाँ मिलती है, वो बताएंगे लास्ट में। सर, दाहिने तट से सुबनसिरी मिलती है, देखना ध्यान से। अच्छा भैया, आओ सुबनसिरी, थोड़ा आ तो आओ, हमारे प्यारे मित्रों को दिख जाओ सुबनसिरी आई। अच्छा सर, मानस भी आपने भरी है? हमने की गजब बात है, आपने सारी जिम्मेदारी दे दी है ना। हमने तो आपसे ये कह दिया है सारी ढपकी लगा करके आपको सुनना है कानों में, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इतनी बेहतरीन तरीके से। अच्छा सर, रेहंग भी है? हमने की बाएं तट से है। अच्छा सर, देहंग भी है, लोहित भी है, और सारी हैं, आपको पढ़नी है। गंगा मिल जाती है पद्मा के नाम से भैया, तब संयुक्त धारा को हम मेघना के नाम से, ये गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, यहाँ ये डेल्टा बनाती हैं। सबसे बड़ा डेल्टा भैया सुंदरवन डेल्टा है, आपको पता है। बड़े सर आगे, बिल्कुल सर बढ़ते हैं। दुनिया की कौन सी पहली महिला है जो अंतरिक्ष में सैर के बाद समुद्र का सबसे गहरा तल छूकर लौटी है? क्या बात है सर, अंतरिक्ष। हमने की हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अरे सर, क्या बात बताई आपने, अभी तो पढ़ाया था आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कुछ दिन पहले तो आपने हमें बिना टिकट के वहाँ घुमाया था, हम घर बैठे ही अंतरिक्ष घूम करके आए थे। हमने की अच्छा, कि हाँ सर हम बताए ना। हमने की बताना थोड़ा। अरे सर बताएं, नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों को सर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स उनको ले गई थी, उनके नाम थे सर बेन केन और डगलस हर्ले, जिससे गए थे ना साथियों सर, वो थे डेमो 2 था। हमने की क्या बात है सर, आपने तो बिल्कुल दिखाया था अंतरिक्ष स्टेशन। हमने की आपने घूमा है सर, हमने समुद्र का सबसे गहरा तल तो पढ़ा भी नहीं है क्या? हम आपको बताएं ना साथियों, कौन लौट करके आया है? डॉक्टर कैथी सुलिवान लौट करके आई हैं। अच्छा साथियों, डॉक्टर कैथी सुलिवान। हमने की हाँ, आपको दिखा है ना ये कहाँ से लौट के आई हैं सर? बिल्कुल, जो लास्ट पॉइंट है ना समुद्र का सबसे गहरा तल माना जाता है सर, ये मारियाना ट्रेंच है सर। मारियाना ट्रेंच हमने सुना सुना सा तो नहीं लग रहा है, बट आपने पहले कभी बताया ही नहीं हमने की, तो टेंशन क्यों लेते हो? ये हैं कैथी सुलिवान, ठीक है सर, ये मिल जाए तो आप मुलाकात कर लेना, पूछ लेना भैया आंटी जी हमको भी बता दो, हम भी जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हम भी जाएंगे मारियाना ट्रेंच घूमने, क्योंकि हमारे भी सपने सुशील स्टडी में जुड़ करके बहुत बड़े बन चुके हैं, हम उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चलें सर हम मारियाना ट्रेंच घूमने, आपको ले चलते हैं मारियाना ट्रेंच, आराम से घुमाएंगे, अच्छी तरीके से आपको सफ़र भी कराएंगे, क्योंकि आप सुशील स्टडी परिवार के सदस्य हैं, तो घर बैठे ही कभी अंतरिक्ष घूमते हैं, तो कभी सर मारियाना ट्रेंच जमीन के अंदर पानी में भी पहुंचते हैं सर, कभी लंदन भी घूमाते हैं, कभी जापान भी घूमाते हैं, और सर कभी अपना रोजाना इंडिया तो घूमते ही हैं, कभी महाराष्ट्र, कभी मध्य प्रदेश, तो चले सर मारियाना ट्रेंच। बिल्कुल सर, सर आपको दिखाएं ना हम। अरे सर, ये तो हमने देखा लग रहा है। हमने कि अरे यार गजब बात कर दी, ये जापान है। अच्छा सर, ये फिलीपींस है। अच्छा, ये एडीबी वाले लोग हैं जो मनीला बैंक के रखे हैं। हमने कि गजब बात पकड़ी। अच्छा फिलीपींस, अच्छा सर इंडोनेशिया, क्या बात है सर, ये साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं आप छुपके से। हमने कि हाँ पकड़ गए, मारियाना ट्रेंच है ये। बिल्कुल सर, मारियाना ट्रेंच है। हमने की ये चोटी दिख रही है ना इसकी, सबसे सर चैलेंज डीप है इसकी, सबसे नीचे चोटी है, सबसे गहराई है, इसका नाम भी ऐसा दिया है सर, चैलेंजर डीप, चैलेंज है इसे छूने का। अच्छा सर, आप दिखा देंगे? हमने की हम पहले बताते हैं, सवाल बना सर, ये इतनी गहरी बनी कैसे? पहली बात तो आप ये बताएं, हमारे तो समझ में नहीं आया सर, या तो हम पानी देखते हैं साउथ चाइना सी में, ये ट्रेंच होता ही क्या है सर?
पहले ये बताएं आप, मारियाना ट्रेंच बनता कैसे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है हमने की, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम समझाते हैं ना सरल भाषा में। अच्छा सर आपको बताएं ना, आपने जो प्लेट पड़ी है, एक बात पहले बताऊं मैं आपको प्यारे मित्रों, मेरा पेन चल जाए थोड़ा, आप मेरे साथ प्रयास कर रहे हैं हर संभव, मेरा जो पेन चल रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है, हमने की देखते चलना, ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहलाता है। और सर रिंग ऑफ फायर कहलाता है कि आग बरसात आई है, मैंने की लो गजब बात कर दी। अरे सर बॉल कैनो फटते हैं यहाँ से, अरे सर बॉल कैनो क्या कहते हैं हिंदी में, हमने ज्वालामुखी फटते हैं। अच्छा सर सारी दुनिया में ज्वालामुखी फटते हैं क्या, सवाल बना, मैंने कि नहीं फटते यहाँ ज़्यादातर अक्सर फटते हैं। सर भूकंप भी बहुत आते हैं, भूकंप आते कैसे, अरे सरल सिंपल सी भाषा है भूकंप आने का, सर जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं ना, तो भूकंप ज्वालामुखी सारी तभी आते हैं सर। सर प्लेटें, हमने कि हाँ सर, ये जो चाइना दिख रहा है ना आपको स्काई कलर में, हाँ दिख रहा है सर, ये वाली जो हम रहते हैं, ये चाइना वाले सारे लोग रहते हैं सर, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये सर इधर पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक ओशियन प्लेट है। जब सर ये दो प्लेटें टकराएंगी ना, तब भारी वाली प्लेट सर नीचे दब जाएगी और हल्की वाली प्लेट ऊपर उठ जाएगी। साथियों ध्यान से समझना है, बेहतरीन कंसेप्ट है, कम शब्दों में समझा रहा हूँ आपको, प्लीज़ अच्छा लगे तो थम्सअप करना, मैं बताता हूँ कैसे मारियाना ट्रेंच बनता है। सर बिल्कुल सही कहा आपके, बट समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपका फोटो भी नहीं दिख रहा है, हमें ये चित्र भी नहीं दिख रहा है। मैंने की टेंशन तो लेनी नहीं है आपको सुशील स्टडी ज्वाइन करने के बाद, हाँ सर बिल्कुल, हमने की इस फोटो को जरा देखना, आपको अभी दिखाते हैं कैसे जापान बनता है, कैसे ट्रेंच बनता है। मेरे प्यारे साथियों जिधर मेरा पेन चल रहा है, ये है पैसिफिक, ठीक है सर पैसिफिक प्लेट है, हमने की ठीक है पैसिफिक ओशियन प्लेट, सर ये वाली इंडो ओशियन प्लेट है, इधर आप देख रहे हैं ना, इधर लैंड है जमीन है, इधर सर ये पानी भरा हुआ है, बिल्कुल सर पैसिफिक प्लेट है तो पानी होगा, पैसिफिक पैसिफिक ओशियन है, ठीक है सर। ये प्लेट भारी है, ये प्लेट हल्की है, जब ये दोनों प्लेटें टकराती हैं प्यारे मित्रों, तब ये भारी वाली प्लेट जमीन के अंदर चली जाती है। साथियों ध्यान से देखना है, बिल्कुल इसे सर हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, इसे सर सबडक्शन जोन कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। जब हल्की वाली प्लेट उठ जाती है ना, ये देखो उठी, ये अंदर गई, तब सर ये खांच सी बन जाती है, और प्यारे मित्रों ये खांच ट्रेंच कहलाती है। अच्छा सर ट्रेंच यही कहलाती है, मैंने देखा नहीं आपने, यही ट्रेंच है, फोटो को ध्यान से देख लेना, मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा प्यारे मित्रों। अच्छा ऐसा ही ट्रेंच है, हमने कि हाँ, जब मेरे प्यारे मित्रों ये नीचे दब जाती है ना, तब मैग्मा बन जाता है सर। अच्छा सर मैग्मा क्या होता है, हमने तरल पदार्थ से होते हैं ना, जब ये मैग्मा जमीन के अंदर सर ये बहुत जब दब जाती है अंदर, तो गर्मी बहुत सारी होती है, मैग्मा तरल होता है तो ये ऊपर उठने लगता है, जब ये मैग्मा साथियों देखना इस कलर का है, उठने लगा तो ऊपर जाने लगता है, देखो मेरा पेन चल रहा है, ये ऊपर गया, ये धुआं सा ऊपर गया सर, जब ये ज्वालामुखी इसी से पड़ते हैं, यही ज्वालामुखी कहलाता है मैग्मा, मैग्मा भी ज्वालामुखी में निकलता है, जब ये ठंडा होता है सर, जब ये ठंडा हो करके यही आइसलैंड कहलाते हैं, फिलीपींस यही है, यही सर जापान है, यही पपुआ न्यू गिनिया, क्या है सर ये सर एस्थेनोस्फीयर में जो पैसिफिक जो दबी थी ना प्लेट, उसी का मैग्मा था सर, वो ऊपर आकर के ठंडा हुआ था, ठंडा होने के बाद वो आइसलैंड में परिवर्तन हो गया, क्या बात बताई सर मेरे प्यारे साथियों, इतना बेहतरीन कंसेप्ट हम कम शब्दों में समझाते हैं आपको, क्या ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप शेयर नहीं कर सकते मेरे कहने से, वीडियो को इतना आग लगा दो, बता दो सर ये है पढ़ाई जमी सर, बिल्कुल मैं आपको एक फोटो और दिखा दूँ सर, ये वाली प्लेट भी दबती है ना सर, बिल्कुल दबेगी, आपने देखा है ना जब कोई भारी ट्रक हो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ साथियों, जब वो भारी किसी लोड ट्रक हो और हल्की सी जीप हो, जब एक्सीडेंट होगा साथियों, आपको जीप थोड़ी नीची है इस वजह से दब सकती है आप कह सकते हैं लॉजिक में, बट बस सर लगती है ना एक्सीडेंट, तो भैया ट्रक तो वहीं दब जाता है, बंद रहता है क्योंकि वो भाग नहीं पाएगा, और वो ऐसी हवा में उड़ी चली जाती है, हल्की सी चीज़ होगी तो उड़ जाएगी, इसी कारण भैया ये हल्की प्लेट है, देखना प्यारे मित्रों ये उठ गई है, ये जमीन में दब गई है सर, ये मैग्मा गर्मी अंदर होती है, तरल पदार्थ होते हैं, मैग्मा फटने लगते हैं, जब ऊपर आते हैं वही वोल्केनो कहलाते हैं, वही ठंडा होकर के सर आइसलैंड में बदल जाते हैं, जब कोई चीज़ आएगी ठंडी होती जाएगी सर, तो आराम से वो जमीन में परिवर्तित हो जाएगी, आइसलैंड बन जाएंगे, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, बिल्कुल सर। आप हमें ट्रेंच, हमने आपको बताया ट्रेंच गहरा क्यों है सर, मैंने आपको बताया इस वजह से, यही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये वाली पैसिफिक प्लेट, ये सर टक्कर हुई थी किसी वंस अपॉन ए टाइम, ये वाली
प्लेट दब गई थी, कौन सी पैसिफिक, ये वाली उठ गई। यहाँ पर जो ट्रेंच बना था सर सबसे गहरा था, इसी को कहते हैं मारियाना ट्रेंच कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, प्लीज मेरे द्वारा किया गया प्रयास कैसा लगा, अब दिखाते हैं मारियाना ट्रेंच आपको, क्योंकि आपने तो सुशील स्टडी को ज्वाइन करके इतनी खुशी मनाई है कि आपको अंतरिक्ष है, ट्रेंच है, कौन सी भी चीज़ है आप बता देना, घुमा देंगे हम आपको। दिखाएं सर, बिल्कुल प्रयास सफल हो जाएगा, क्योंकि आपकी दुआ, आपका सहयोग हमारे साथ है प्यारे साथियों, तो जरूर हमारा प्रयास आपके लिए सफल होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चल जाइए भैया यार, क्योंकि हमारे प्यारे मित्र बहुत आशा से लगे हुए हैं हमारे साथ। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, गजब से भी चलेगा, क्योंकि हर संभव प्रयास करते रहिए, बहुत सारी आपके पास कमियां आ सकती हैं, वो दूर हो जाएंगी साथियों, कोई दिक्कत नहीं होती है प्यारे साथियों। प्लीज टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करने लगे हैं जाने की, आपको ले जाएंगे, देखना ये पृथ्वी है, ध्यान से अंदर आए जमीन के, बिल्कुल सर आए, हमने की देखते रहना है, अंदर हम शुरू हुए एंट्री करना। मेरे प्यारे मित्र, प्लीज़ ये अब तो शेयर करना बनता है, इतनी मेहनत के बाद तो एक लाइक भी कमेंट भी शेयर किया करो आप। कुछ लोग बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, कुछ देख करके आराम से सर ज्ञान बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगी। तो भैया संडे आता है कंपटीशन को चेक करने के लिए, सर ये पानी में एंट्री हुआ, बिल्कुल आपको यही दिखाया था, दो प्लेट के टक्कर होने के बाद जो वो ट्रेंच बना था, बिल्कुल ये पानी में सर मछली मिलेगी, 800 फीट आए सर, ये देखना चलने लगे मेरे प्यारे साथियों, ये 1044 फीट आए। अरे क्या बात है सर, आग लगा दी आपने तो, लेकिन अभी नहीं, अभी तो आग लगाएंगे कुछ, मेरे सामने बहुत सारी वीडियो, क्यों लेट होता है प्यारे मित्रों, वीडियो सिर्फ नेटवर्किंग की प्रॉब्लम से मैं 2-2 घंटे में वीडियो अपलोड नहीं होता है 5 मिनट का, या जियो का टावर है भैया, जियो का नेट आता नहीं है। चलो भैया यात्रा करते हैं हम, कहाँ की सर, कर रहे हैं मारियाना ट्रेंच की, बिना कोई पैसा लगता है सर, नहीं लगता भैया, सुशील स्टडी में कोई पैसा नहीं है आपके लिए, आपको हम सपने पूरे कराएंगे। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार लाइक कर देना, देखो यही ट्रेंच बनाया था हमने अभी। अरे क्या बात है सर, वेलकम टू चैलेंजर डीप, यही चैलेंजर डीप को कौन लेकर के आई हूँ छू करके, आए भाई वेलकम 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 टू चैलेंजर डीप, आए सर, बिल्कुल सर आग लगा दी हमने की, अभी नहीं आप रुको तो सही, अभी लगाएंगे और आग लगाएंगे, रिंग ऑफ फायर सर देखना पूरी बनती है, आपको दिखाया है सर इसी के कारण। अच्छा सर ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिच रेटिंग, अरे सर रेटिंग वेटिंग बहुत जारी करते हो आप, हमने की रेटिंग सिखाते हैं ना, रेटिंग होती क्या है सर, सिखाओगे, आपको रेटिंग कभी समझ नहीं आया होगा, आज इतनी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि सुशील स्टडी में रोजाना नए साथी जुड़ते हैं, उन्हें हम रेटिंग सिखाएंगे, इकोनॉमी भी बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है। अच्छा सर बढ़ने का अनुमान, हमने की हाँ गजब बात कर दी सर, 9.5% बढ़ने का अनुमान लगाया, सर समझ में तो आया ही नहीं, हमने की तो आपने टेंशन क्यों ली, हम है ना आपके साथ। सर ये आपने देखा होगा, हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, वंस अपॉन ए टाइम की तो बात नहीं है, कुछ दिन पहले पहले की बात है, हमने आपको एक कहानी सुनाई थी अपनी बूढ़ी अम्मा की, याद है, अरे बूढ़ी अम्मा, और ए बूढ़ी अम्मा, हमने की हाँ बूढ़ी अम्मा क्या है, अरे भैया एक प्रिंसिपल का लड़का है ना साथियों, कहानी स्टार्ट करते हैं, जब प्रिंसिपल लड़का प्रिंसिपल के लड़के के शादी वाले आते हैं, कि ठीक है सर आ गए शादी वाले, अब भैया जब शादी वाले रिश्ता लेकर के आते हैं अपनी लड़की को देने के लिए, ठीक है सर जब लड़की को देने आएंगे तो लड़के के बारे में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, अरे सर क्या बात कर दी आपने, ये तो गजब बात है, पूछेंगे नहीं ऐसे ही कर देंगे, अपनी लड़की को कोई ऐसे तो देगा नहीं भैया, जब लड़की का रिश्ता जोड़ने आएंगे तो लड़के जो प्रिंसिपल का लड़का है भैया उससे जरूर पूछेंगे कि इनका लड़का क्या करता है भैया, इनका लड़का पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है, इनका लड़का करंट देखता भी है कि नहीं देखता है, इनका लड़का भैया साउथ अमेरिका सुशील स्टडी को ज्वाइन करता है कि नहीं करता है, कि हाँ सर करता तो है, आप किन से पूछेंगे ये मेरे प्यारे साथियों, समझना है, लॉजिक लगाना है, आपको रिलेट करना है चीज़ों को मैं कहानी से, क्योंकि कहानी से हम समझते हैं। सर बूढ़ी अम्मा अब हमारे जैसे रिश्ता लेकर के आए प्रिंसिपल के लड़के के लिए, ठीक है सर, और सर बाहर की जिम्मेदारी हमने सौंप दी अपनी बूढ़ी अम्मा को, सर बूढ़ी अम्मा का कमाल देखा है ना आपने,
बूढ़ी अम्मा को तो आप घर की सारी चीज के बारे में पूछ लो। लड़का फोन पर लगा रहता है, बूढ़ी अम्मा कहीं, लड़का पढ़ता भी बहुत है, लड़का काम भी बहुत करता है, भैया पता नहीं लड़का की जॉब क्यों नहीं लगती है, लड़का पढ़ता भैया, लड़का कोई न तम्बाकू खाए न गुटखा खाए। अच्छा बूढ़ी अम्मा, भैया लड़की वालों ने बूढ़ी अम्मा से संपर्क साध लिया। अब बूढ़ी अम्मा ने लड़के बारे के बारे में सारा कुछ बता दिया, भैया ये लड़के की क्वालिटी है। अब जो लड़की वाले आए ना साथियों, अब ये सोचेंगे कि रिश्ता जोड़ें भैया, क्या करें रिश्ता नहीं जोड़ें, क्योंकि जिम्मेदारी पूरा मोर्चा सर पार का हमारी बूढ़ी अम्मा खामे खाएँ, पता नहीं है कुछ भी उन्हें, उन्हें ये भी नहीं पता है लड़का पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है। और बूढ़ी अम्मा ने लड़की वाले से भैया सारा कुछ बता दिया बिना पूछे ही। अरे सर बात तो आपने गजब बताई, बट ये फिच नहीं समझ में आया, हमने गजब बात कर दी, दुनिया में तीन बूढ़ी अम्मा है सर। अच्छा सर तीन बूढ़ी काकी हैं दुनिया में, हमने लो गजब बात कर दी, आपको कुछ दिन पहले बताया था हमने कि एक बूढ़ी अम्मा का नाम है सर मुडीज। अरे क्या बात है, आग लगा दी सर, हमने कि दूसरी बूढ़ी अम्मा का नाम पढ़ा है ना S&P। सर क्या बताई, हमने की हद कर दी, आपको कितनी बार तो बताया भैया, आप भूल जाते हैं, स्टैंडर्ड पुअर बताई। अरे सर तीसरी बूढ़ी अम्मा आपके सामने लिखी हुई है, फिच है सर, अब बात कुछ समझ में आई। हमने की अभी तो रुको एक मिनट का काम और है सर, जब कोई बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करने आती है भैया, लड़की का रिश्ता लेकर के आती है, जैसे फेसबुक आई थी जियो से मिलने, फेसबुक आई भैया अपनी लड़की को लेकर के जियो के लड़के से शादी करने, गजब बात बताई सर हमने की जियो के लड़के से। तो भैया बूढ़ी अम्मा से पूछा कौन सी बूढ़ी अम्मा, अरे सर यही तीन में से कोई बूढ़ी अम्मा होगी। अरे बूढ़ी अम्मा और ही बूढ़ी अम्मा बता तो थोड़ा ये जियो लड़का कैसा है। अब बूढ़ी अम्मा क्या बोलने लगी पता है ना, अरे भैया सुनो, किससे, फेसबुक से, अपनी लड़की को तुम कर दो बहुत बढ़िया है, ये जियो है ना, ये भैया जो इनकी है 250 रुपये में फ्री डाटा दे देते हैं, फ्री बिल्कुल 2 महीने के लिए, और 250 रुपये में 1 GB मिलता है भैया 1 महीने के लिए, ये 2 महीने के लिए अनलिमिटेड भी दे देते हैं। अच्छा फेसबुक का जो लड़की का रिश्ता लेकर आए थे ना साथियों, इन्होंने सोचा यार गजब बात है, मतलब इसका ये ग्रोथ कर रहे हैं, पहले जाल बिछा रहे हैं, भैया उन्होंने लड़की का रिश्ता जोड़ लिया, गजब बात बताएगी नहीं, जियो वाले से भैया रिश्ता जोड़ लिया। मेरे प्यारे मित्रों यही हैं बूढ़ी अम्मा, क्या ये कहानी समझ में आई, प्लीज लाइक तो बनता है, ऐसे क्वेश्चनों को समझाने के लिए टाइम तो लगता है साथियों थोड़ा, क्योंकि हम चर्चा करते हैं बैठ करके सुशील स्टडी परिवार में, अच्छे से तसल्ली से करते हैं, इंडिया का मैप सामने होता है, वर्ल्ड का मैप सामने होता है, आराम से 1 घंटे का प्याते हैं भैया बैठ करके, तसल्ली से समझते क्या है कि बूढ़ी अम्मा समझ में आई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो प्लीज कमेंट कर देना। अच्छा सर ये बूढ़ी अम्मा कितने जो इन्वेस्ट आते हैं साथियों, वो इन्हीं कंपनी जो बूढ़ी अम्मा होती हैं ना साथियों, इन्हीं से पूछ के आ रहती हैं, मैंने बताया तीन बूढ़ी अम्मा है सर। बिल्कुल गजब बात बताई सर आपने, हमने की गजब नहीं बहुत ही बेहतरीन चीज बताई, आपको ये समझ नहीं आती होंगी सर, आपको बताए ना सर ये जो सलाहकार कहते हैं इन्हें, अच्छा सर ये कंसल्टेंसर होते हैं, इन्हें ही सलाहकार कहते हैं, इनसे सलाह लेती हैं, कोई भी कंपनी बाहर की इन्वेस्ट करने आएगी पहले ये पूछेगी भैया भारत में इस कंपनी का हाल क्या है, जियो का हाल क्या है, सर इसका हाल क्या है, तभी इन्वेस्ट करेंगी, करेंगी कि नहीं, बूढ़ी अम्मा से समझ आया। प्लीज बढ़ते हैं सर आगे, बिल्कुल ये है फिच रेटिंग जारी की है सर 9.5 की, मैं आपको बात बताऊँ ना, इन्होंने कहा अभी भैया लॉकडाउन था ना तब आपकी घट गई थी, अब भैया अनलॉक आ गया है तो 2021 की बात कर रहे हैं कि 9.5% वृद्धि भारत में हो जाएगी। अब कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने आएगी तो फिच रेटिंग से पूछेगी भैया, तो बता देगी कि अनलॉक हो चुका है भारत में, चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, रिश्ता जोड़ दो आप, बूढ़ी अम्मा ने तो मोर्चा संभाला ही है अपना। बढ़ते हैं सर आगे, कौन सा पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जिसको कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया है, कौन नहीं जानता एशिया का नोबेल पुरस्कार, कौन नहीं जानता भैया बिनको किन को, आप समझ गए ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें। 2019 का रेमन मैक्सेस पुरस्कार किने मिला था, रवीश कुमार को मिला था सर, पत्रकार थे, हमने की गजब बात बताई, रमन मैक्सेस पुरस्कार है सर, एशिया का नोबेल कहलाता है सर, एशिया का कहलाता है, एशिया तो प्यारे मित्रों को बहुत सिखाया है हमने, गजब बात है सर। हमने की ये फिलीपींस है ना मनीला वाले,
इनकी सर सातवें राष्ट्रपति थे उनके सम्मान में दिया जाता है ये एशिया का नोबेल। सर 31 अगस्त को दिया जाता है क्योंकि उनका जन्म ही 31 अगस्त 1907 को हुआ था। उनकी मृत्यु सर 1957 में हुई थी, 50 साल में। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इनके सम्मान में दिया जाता है सर। गजब बात बताई ना, ये सर रद्द कर दिया गया है। अच्छा सर ये रद्द अभी हुआ है हमने की नहीं तो इससे पहले भी हो गया है, 2 बार 3 बार हो गया है साथियों। 1970 में भी हुआ था सर, आर्थिक मंदी आई थी। 1990 में भी हुआ था सर हमने की। अच्छा क्या बात कर दी, ज्वालामुखी फटने के बाद अर्थक्वेक हुआ था सर, तब आया था 1990 में। और अब बात हुई है कोरोना की वजह से, क्योंकि भैया सम्मान किन को अच्छा लग रहा है, कोरोना ही खत्म नहीं हो रहा है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मेरे प्यारे साथियों। कोरोना ने तो हद कर दी भाई, इतनी सारी वैक्सीन बनने के बाद भी कंट्रोल में नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। बड़े सर आगे ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, डिटेल से आपको लिख दिया है भैया। कहलाता है सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, पत्रकार के लिए सर, संचार, कला, शांति, अंतर्राष्ट्रीय, सब मैंने आपको डिटेल में आपको रीड करना है क्योंकि इसमें टाइम हम नहीं लगाएंगे। कठिन चीज़ को समझाने का काम सुशील स्टडी परिवार का है। बड़े सर आगे हाल ही में BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया है। सर अब जो भी वाहन लेंगे वो BS6, BS6 सर क्या है, हमने भारत स्टेज 6 है भैया। अच्छा सर ये क्या है, हमने कि जो अपना कार्बन निकलता है ना, उस कार्बन से भैया प्रदूषण ना हो, उस प्रदूषण को रोकने की बात की गई है। उससे बहुत सारा कम पर्यावरण हो भैया, पर्यावरण में दिक्कत ना आए इस वजह से। कैसा रंग सर, अरे भैया रंग तो हरा ही होगा ना, ग्रीन की तो कहानी अलग है पर्यावरण के लिए। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट सही है, आप लगा लेना। बड़े सर आगे बिल्कुल ऐसे पान पर आपको इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिख कर आएगा, ऐसी प्लेट आपकी गाड़ी पर होगी, BS6 भारत स्टेज 6। बढ़ते हैं सर आगे, हाल ही में नासा के विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है। सर रंजीत कुमार को विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है, विशिष्ट सेवा पदक रंजीत कुमार को नासा। भैया यार पेन चल जाए यार, ऐसी दिक्कत ना कर, हम कितना प्यारा तो पढ़ाते हैं, और यार पेन धोखा करते हुए आप हमारे साथ भी। बड़े सर आगे ये है रंजीत कुमार जी, इनको दिया गया है ये विशिष्ट सेवा पदक। भैया देख लेना, मुलाकात हो जाए तो मिल लेना, नासा के बारे में जानकारी ले लेना। विश्व बैंक ने कोविड स्थिति से निपटने के लिए किस भारतीय राज्य को 1950 करोड़ रुपए ऋण दिए हैं। अरे सर वो ही है अपनी बहन जी, अपनी कौन सी, ममता बनर्जी। अच्छा सर मोदी जी गए थे मुंह बांध करके अम्फान के बारे में पूछने के लिए, 1,000 रुपए दिए थे ने। अच्छा सर 1,000 करोड़ की बात कर रहे हैं हमने की, पकड़ गए आप, वही पश्चिम बंगाल है सर। अच्छा ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, हमने कौन नहीं जानता है ममता बनर्जी को भैया। अम्फान आया था अभी, ये रहा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 294, राष्ट्रीय उद्यान बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, नोवारा घाटी, सिंगालीला, सुंदरवन कौन नहीं जानता है। सर क्या बात कर दी, पश्चिम बंगाल बहुत सुना है हमने कई प्यारे मित्रों, रटाएंगे छोड़ेंगे नहीं पश्चिम बंगाल। भैया देखना ये है गुंडी सी लग रहा है, अरे क्या बात है सर, पश्चिम बंगाल की चोटी सिक्किम को कहते हैं, वही सिक्किम भूटान है जहाँ पर डोकलाम हुआ था, हमने चाइना को जीभ चटाई नाक चटाई थी सर। अच्छा सर यहीं से सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाता है, इसी को चिकन नेक कहते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा बिहार से साझा करती है, झारखंड से साझा करती है सर, ओडिशा से भी साझा करती है। यहाँ अम्फान आया था मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे, हाल ही में यूरोपियन की दूसरी बड़ी लीग लालीगा शुरू हुई है, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। क्या बात है सर लालीगा शुरू हुई है हमने की, हाँ गजब बात कर दी भैया आपने भी, हमने की आपको बताया ना हम, स्पेन की है सर, यूरोप की दूसरी है, और पहली कौन सी है सर आप बताएंगे, बुंदेस लीगा है मेरे प्यारे मित्रों। अच्छा सर पहली बुंदेस लीगा है, दूसरी कौन सी है, फुटबॉल की है, ला लीगा है। कहाँ पर शुरू हुई है सर, स्पेन में हुई है। स्पेन सुना सुना सा नहीं लग रहा है, कितनी बार तो स्पेन से यात्रा की है हमने, कहाँ से की है। अरे सर गजब बात कर देते हैं आप, हद है भाई, जिब्राल्टर संधि से करी है। अच्छा सर मेडिटेरियन सी से बोला है, हाँ पकड़े आप सही, आपको दिखाए ना ये रहा, क्योंकि सुशील स्टडी ने प्रॉमिस किया है मित्रों से कि पिक्चर बिना काम नहीं चलता है अपने यहाँ भैया, मेडिटेरियन सी है, इससे भैया अपना जहाज चला आया यहाँ सर, ये जिब्राल्टर संधि है, गजब बात है सर, अटलांटिक ओशियन में एंट्री कर जाते हैं हम।
सर यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल से होते हुए डोवर स्ट्रेट आ जाती है। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग भी यह डोवर स्ट्रेट कहलाता है। सर ये यूनाइटेड किंगडम है जो यूरोप का हिस्सा है, बट यूरोप से सीमा साझा तो नहीं करता, एक आइलैंड है इसका। गजब बात है भैया। बढ़े आगे, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, आपको पता है। भैया जून के प्रमुख दिवस आपको याद करने हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। प्यारे मित्रों 10 जून को विश्व भूजल दिवस है, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस है आज, विश्व हाइड्रोग्राफी भी दिवस है आज, 14 जून को विश्व रक्तदान है, रक्तदान कर सकते हैं आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये सब पूरा का पूरा कंटेंट कहाँ मिलेगा हमने कि आप भी हद कर देते हैं। रोजाना तो बताते हैं सुशील स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम ये रहा, इस पर सारा का सारा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, जिससे आप रीडिंग लगा सकते हैं साथियों, और सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। मेरे प्यारे मित्रों लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस परिवार को बढ़ाने का काम आपका है प्यारे साथियों। मैं कुछ मेहनत नहीं करता हूँ आपके लिए, ये परिवार बढ़ रहा है ना सिर्फ आपकी बदौलत बढ़ रहा है मेरे प्यारे साथियों। ये जानकारी आपके पास किसी भैया ने शेयर की होगी, किसी मेरे प्यारे साथी ने शेयर की होगी, तभी आपके पास आई है। ऐसे आप भी शेयर करें, इस परिवार को बढ़ाएं भैया। इस परिवार एक दिन मुकाम हासिल करेगा प्यारे साथियों, एक मंजिल पाएगा, जो सपने देखे हैं उन्हें जरूर पूरे करेगा मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, कैसा लगा मेरे द्वारा किया गया ये नया प्रयास वीडियो दिखाने का प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।